हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नो कोचिंग नो टेंशन। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे तैयारी करें बिल्कुल कोचिंग की तरह। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लास की तैयारी कराया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ NCERT का। जितनी भी पढ़ाएंगे सब NCERT का पढ़ाएंगे। चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएँ जो है, प्रश्नावली 1.1 का सभी का हल, प्रश्नावली 1.1 में जितने क्वेश्चन है सभी का हल हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दिया है 135 और 225, 196 और 38,220, 867 और 255। दोस्तों पहले हम पहले का निकालते हैं एल्गोरिथम विभाजन के नियम से। तो पहला है 135 और 225। हाँ दोस्तों, तो पहले जो ज़्यादा होता है हम उसको लिखेंगे, फिर 135 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए, बराबर करने के बाद 135 में भाग करेंगे 225 का, तो 135 दोनों 270 होता है, तो ये तो 270 से कम है यानी 1 के जाएगा। तो गुणे 1 करिए, 135 में 135 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख लीजिए, 225 में 35 का भाग, 135 भाग करना है, 135 करना में 135, इसको घटाएंगे आप 90 बचेगा। दोस्तों कितनी बार भाग गया, एक बार, तो 135 गुणे 1 प्लस 90। और देखिए दोस्तों, इसके बाद फिर इसको यहाँ पर लिखना है और इसको यहाँ पर, जो ज़्यादा है पहले इसको यहाँ पर लिखना है, ये वाला यहाँ पर इक्वल करके जो शेषफल रहता है यहाँ पर लिखेंगे बराबर के बाद। फिर अब शेषफल का फिर इसमें भाग करेंगे, फिर जो 90 × 180 नहीं जाएगा, 90 91 90 91 90, 135 में से 90 निकालो तो 45 बचेगा। जी हाँ, 90 91 90, यहाँ पर देखिए 135 में से 90 निकाले, 145 बचा है, सॉरी 45 बचा है, इसको 45 कर दोस्तों। अब यहाँ पर 90 लिखेंगे, फिर ये जो 45 है ये 45 अब यहाँ पर लिखेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों देखो, 45 × 90 45 × 90, 90 में से 90 गए 0, दोस्तों यहाँ पर शेषफल 0 बच गया, यानी कि जो हमारा आएगा HCF कितना आएगा, 45 आएगा। जी हाँ, 135 और 225 का HCF 45 आया। इसी प्रकार दोस्तों चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा था 196 और 38,220। तो दोस्तों 196 और 38,220, यहाँ पर दोस्तों 38,220 लिखेंगे, फिर इसको जो कम है उसको लिखेंगे। अब इसमें इसका भाग करेंगे, हाँ दोस्तों भाग करेंगे तो 196 का इसमें जब भाग करेंगे तो 195 आएगा और फिर शेषफल 0 आएगा। हाँ दोस्तों, जब इतना आया हमारा भागफल, तो भागफल जो है आया है शेषफल 0 आने के बाद, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। दोस्तों यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। एक बार हम आपको फिर समझा दे रहे हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। जो ज़्यादा होता है पहले हम उसको लिखेंगे, जो कम है उसको लिखेंगे, फिर बाद में फिर क्या करेंगे, इसमें इसमें डिवाइड करना है। दोस्तों यहाँ पर भाग करना है 125 से 95, 225 में 125 करेंगे 90 बचेगा। दोस्तों हमारा 90 शेषफल आया है, तो यहाँ पर हम शेषफल 90 लिख दिए हैं। और कितनी बार भाग गया, भागफल कितना, 1 आया है, तो 135 गुणे 1 कर देंगे यहाँ पर, और 90 जो शेषफल उसको हम प्लस करके लिखेंगे। फिर दोस्तों इसको, भाजक को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर शेषफल जो है फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके, फिर हम इसका इसमें भाग करेंगे, तो 90 × 180 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 90 91 90 हो जाएगा, तो 90 91 90, 135 में से 90 घटाएंगे तो 45 बचे, 135 में 90 घटाएंगे 45। फिर दोस्तों इस 90 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस 45 को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ही 45 में 90 का भाग करेंगे, तो 145 × 90 45 × 90, 90 में से 90 निकाल देंगे दोस्तों, 0 बचेगा। और जब 0 आ गया शेषफल, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, HCF जो हमारे बचेगा, ये HCF हो जाएगा जो भाजक होता है। दोस्तों हमारा 45 बचे, ये 45 जो हमारा HCF है। इस प्रकार दूसरा भी बताया था दोस्तों, इसको लिखना है पहले, फिर इसको कम बाद छोटा, जो छोटा संख्या रहता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, बाद में इक्वल करके इसमें इसका डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 195 आएगा, डिवाइड करने पर शेषफल जो आएगा हमारा 0 आएगा। फिर जो HCF हो जाएगा इन दोनों का कितना है, 195 डिवाइड करने पूरा कट गया, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, मेरे को समझ में आया कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को वीडियो भी पता चले और सभी लोग घर पर बैठ कर तैयारी कर सकें अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों चलिए हम इसको बताते हैं कैसे करेंगे। हल में देखिए दोस्तों, ये a बराबर bq+r, आप पढ़ें, a जो होता है हमारा क्या है, भाज्य है, b भाजक है, q भागफल है, r शेषफल है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, माना विषम पूर्णांक a, a जो है हमारा कोई पूर्णांक है, शेषफल r, शेषफल कोई r है, और b हम बताए थे क्या है, भाजक है, और q क्या है, भागफल है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर 6q है ना, 6 यानी कि जब हम इसमें किसी संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा, यानी कि शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या से इसमें भाग करेंगे तो भाग जो आएगा शेषफल इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, अगर इससे ज़्यादा आएगा फिर उसमें भाग करेंगे, फिर यानी कि जब आएगा तो 6 से कम, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ सकता है। तो इसलिए 0 <= r <= 6। दोस्तों इसका मतलब यह संभव क्षेत्रफल 0 आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो अर्थात दोस्तों कुछ भी आ सकता है, ए बराबर 6q+0 हो सकता है, 6q+1 हो सकता है। दोस्तों यहाँ से देखिए 6q+1, 6q+3, तो दोस्तों हम अगर इसमें किसी भी संख्या से भाग करें 6q+0 शेषफल आ सकता है, 6q+1 भी शेषफल आ सकता है, 6q+2 भी शेषफल आ सकता है, इस प्रकार 6q+3 भी शेषफल आ सकता है, 6q+4 भी शेषफल आ सकता है, 6q+5 भी शेषफल आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, आप ये 6q लिखेंगे और जो ये रहेगा हमारा शेषफल, इसमें ये ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये जो होगा, ये 2 3 6, 2 से आपको देखना, यहाँ पर विषम बोल रहा है, विषम जब विषम बोल रहा है तो यहाँ पर हम 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 3 6, लेकिन ये 1 है ये तो नहीं कटेगा, ये विषम है, ये सम है, और ये भी 2 कट जाएगा, ये 6 भी कट जाएगा 2 से, ये सम है, ये 2 तो ये 6 कटेगा, लेकिन ये 3 नहीं कटेगा, ये भी विषम हो गया, फिर ये 2 से कट जाएगा दोनों, ये सम है, ये नहीं कटेगा, 5 विषम है। दोस्तों हमको ये सम मिला और फिर और ये जो है ये विषम मिला, तो हमको क्या पूछा, इसमें विषम पूर्णांक पूछा है, तो हमारा अतः कोई धन विषम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, दोस्तों हमारे ये विषम पूर्णांक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बताते हैं, अगर दोस्तों आपको जो क्वेश्चन है समझ में आए वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से उसको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो दोस्तों अधिकतम संख्या, अगर अधिकतम संख्या पूछेगा कभी भी आप देखते रहिए, अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो समझ लेना उसका क्या निकालना, HCF, क्या निकालना, HCF, अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। हाँ दोस्तों अगर अधिकतम संख्या बोलेगा तो हमको HCF निकालना है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लगा लीजिए, यही है ना, ए बराबर BQ+R, इसी से लगाइए, ए जो हमारा ज़्यादा होता है उसको पहले लिखेंगे, जो कम है उसको लिखेंगे, इसमें इसमें भाग करेंगे, दोस्तों 6 16 में 32 का भाग, 6 से 16 में 32 का भाग करेंगे, 19 से कटेगा, 8 शेषफल आएगा, दोस्तों 6 से 32 * 19 हो जाएगा, और ये जो शेषफल आएगा वो प्लस होकर ऐड हो जाएगा। दोस्तों इस 32 को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये जो शेषफल होगा हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये 8 का पहाड़ा 32 पढ़ेंगे, 8 चौक 32, 4 बार पढ़ें, 8 चौक 32, 32 में 32 का 0, दोस्तों शेषफल 0 आ गया, यानी कि हमारा क्या आया है, LCM, HCF, HCF जो आया 8 आया है, आज तो HCF से 16 32 का 8 आया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर 8 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। हाँ दोस्तों तो चलिए हम इसको बताते हैं, इससे पहले एक बार आप फिर से ये समझा दें, अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो हमको HCF निकालना है, संख्या क्या था, 6 16 32 था, 6 16 32 लिखे, इसका HCF निकाला, तो हम लोग HCF निकाल के आपको यहाँ पर दिखा दी, HCF कितना आया, 8 आया है, किससे, यूक्लिड विभाजन से। तो दोस्तों चलिए हम इसको बताते हैं,
करा युक्लिड व्यंजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। हाँ दोस्तों, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, इसमें करा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तो वो पूर्णांक हम x मान सकते हैं। तो दोस्तों माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ x 3q 3q+1 3q+2 हम मान सकते हैं दोस्तों। और इसको आप देखेंगे संकेत में दिया होगा कि x का मान 3q 3q+1 3q+2 दिया होगा संकेत में, और दोस्तों हम मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको देखिए, 3q को पहले वर्ग करेंगे, इसमें कि दिया गया है, कह रहा है कि वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m 3m+1 के रूप का है, यही सिद्ध करना दोस्तों वर्ग। तो ये 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, q² हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए 3 3 का 9 3, और यहाँ पर से 3 1 बचेगा, यहाँ पर q² 3 q² कर दिए। अब इसको 3 3 q² को ही हम मान सकते हैं दोस्तों, भागफल कुछ भी आ सकता है। तो इसको हम जहाँ यम बराबर 3 q², तो सर दोस्तों हमको इसको इसके जो है ये ना, इसे हमें 3m के रूप में लाना है, इसलिए हम इसको q 3q² को यम मान लिए हैं। तो इसको यम मानने के बाद 3m के रूप में आया है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 आना चाहिए क्योंकि इसमें दिया है ना 3 यहाँ पर, इसलिए ना एक आपको यहाँ पर 3 अलग कर लेना चाहिए, और जो आएगा उसको आप यम मान सकते हैं। अगला देखिए, 3q+1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 3q+1 का होल स्क्वायर यानी कि a² + b का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² 3 3 का 9 q² 3 दूनी 6 का 9 6q, और 1 को स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा दोस्तों। इसमें से देखिए, अब 3 कॉमन कर सकते हैं, 3 3 का 9 q² इसे लिख लीजिए, 3 दूनी 6 q ऐसे लिख लीजिए, a+1 है +1। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3m+1 यानी कि 3 है और 1 है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि यम, ये यम के स्थान क्या आया, 3q² + 2q, जहाँ दोस्तों हम मान सकते हैं यम बराबर 3q² + 2q, इसके स्थान पे हम लिख सकते 3m+1 के रूप में यहाँ पर से आप आ गया है। और एक और माने थे हम 3q+2 का होल स्क्वायर दोस्तों, ये भी a+b का होल स्क्वायर, सूत्र लगाओ a² + 2ab + b² a² 3 3 का 9 q² +2 3 6 2 12 q + 2 2 4। दोस्तों आप इधर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये लिख दी ये लिख दी, लेकिन दोस्तों देखिए कि ये 4 है। अब यहाँ पर हमको किसके रूप में, या तो 1 के रूप में लाना है या तो 3m के रूप में लाना है। तो 1 के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसा करेंगे ना कि जो ये 4 है, इस 4 को हम 3+1 के रूप में लिखेंगे, तो 9q² + 12q + 3+1। हाँ दोस्तों, 3+1, इस 4 को 3+1 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा और जो बचेगा उसको हम मान सकते हैं, यहाँ पर +1 के रूप में आ जाएगा। तो इसमें से 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 3 3 का 9q², फिर 3 4 12 4q, फिर 3 1 9 3 1, फिर +1 है। दोस्तों अब देखिए इधर, आप 3 इसको क्या मानेंगे, यम मान लिए, और +1 3m+1 के रूप में, जहाँ यम क्या है 3q² + 4q+1, इसको हम यम मान लिए हैं दोस्तों। हाँ 3m और 3m+1 के रूप का है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एकदम ऐसे ही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, इससे पहले एक बार और हम आपसे करें दोस्तों, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों अगर अच्छे समझ में आए तो लाइक तो जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का मान 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो दोस्तों चलिए इसको बताते हैं, माना माना x कोई धन पूर्णांक है, सेम चौथे की तरह लगेगा, माना x कोई धन पूर्णांक है जहाँ x 3q 3q+1 3q+2 ले सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम। अब दोस्तों देखिए, हमको किसके रूप में लाना है, 3m 1 8, 8 जो होगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 जो 2 का क्यूब हो जाएगा, 1 1 का क्यूब, 1 1 9 1 1 9 1, और यहाँ पर +0 कर सकते हैं, तो 0 का 0 0 0, तो यानी कि दोस्तों हमको क्या करना है, इसका होल क्यूब करना, होल क्यूब के रूप में करेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला क्या, 3 3 का 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा q³। अब दोस्तों देखिए 9 के रूप में लाना है, तो ना हम क्या करेंगे, इसको 9 कॉमन करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा q³, ऐसे लिख लेंगे 9 ऐसे लिख लेंगे। ये दोस्तों देखिए यम के रूप में लाना है, हम इसको क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे, हमारा आ गया 9m, यहाँ पर दोस्तों 9m आ गया, जहाँ m क्या है 3q³ है।
इसी प्रकार 3q+1 को यहाँ पर लिखेंगे 3q+1 का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस ए ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र लगा दीजिए, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b² b³। तो दोस्तों इसको क्यूब करें 3 3 9 27, q³ 3 ये स्क्वायर है, 3 3 9 हो जाएगा स्क्वायर है, 9 3 27 91 27, q² ऐसे आप लिख लीजिए। यहाँ पर 3 3 9 1 1 9 1, 3 3 9 1 9 9, और q q लिख लीजिए, यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा। दोस्तों इसमें देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 9 ना, 9 के रूप में लाना है यहाँ पर, देख लीजिए 9 के रूप में लाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 9 कॉमन कर लेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, q क्यूब ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 3 27 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 9 9 9 यानी कि q डाल लेंगे और इसको ऐसे लिख लेंगे। दोस्तों इसे 9 आप ऐसे लिखिए, इसको हम क्या मानेंगे, यम मान लेंगे। हाँ दोस्तों इसको हम यम मान लिए, +1, देखिए दोस्तों 9m+1 के रूप में यहाँ पर दिया है ना, 9m+1 के रूप में लाना था, तो दोस्तों ये हमारा आ गया। चलिए दोस्तों अभी हम एक और माने थे क्या, 3q+2 का होल क्यूब। हाँ दोस्तों तो अब इसका होल क्यूब करेंगे वही सूत्र, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी का क्यूब। दोस्तों इसका 3 3 9 27 q³ हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 3 9 9 3 27 27 2 54 q² कर लीजिए, यहाँ पर 3 3 9 2 2 4 9 4 36 q है, q लिख लीजिए, यहाँ पर 2 2 4 2 8। दोस्तों क्यूब का मतलब होता है इसका 3 बार गुणा, 2 2 4 4 2 8। इसमें देखिए दोस्तों 9 कॉमन कर लीजिए, अब यहाँ पर 9 3 27 9 6 54 9 4 36 ऐसे लिख लीजिए, 8 ऐसे उतार लीजिए दोस्तों, ऐसे 9 लिखिए आप। अब यहाँ पर ये देखिए इसको हम क्या मानेंगे, यम मान लेंगे दोस्तों, +8 है ऐसे उतार लीजिए। दोस्तों हमारा ये भी सिद्ध हो गया, जहाँ यम क्या है यही मान है, 3q² प्लस 6q² प्लस 4q। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों ऐसे ही हमारे वीडियो पर आप शेयर करिए दोस्तों के पास, और जैसे कि आपके दोस्त देख सकें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और हमारा होगा 1.1 ये था, अब दोस्तों 1.2 के साथ हम आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।